जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर नई दिल्ली और बर्लिन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण सातवें इंटरगवर्नमेंटल कंसल्टेशंस IGC की अध्यक्षता की। वार्ता में दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर सहयोग का ऐलान किया। भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में कई अहम समझौते हुए हैं। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इन समझौतों से द्विपक्षीय सहयोग में नई मजबूती आएगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में भारत जर्मनी सहयोग की नई इबारत लिखी गई। हैदराबाद हाउस में सातवें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं की पहचान भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के बाद कई बड़े समझौतों की घोषणा हुई। इनमें खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहमति शामिल है। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज पर बनी सहमति इस दिशा में एक नया कदम है। आज संपन्न की गई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी से आतंकवाद और अलगाववादी तत्वों से निपटने में हमारे साझा प्रयास सशक्त होंगे। इस अवसर पर भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोडमैप का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार और श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधी सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान किया गया। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। All German leaders during the IGC emphasized on the intention and desire of Germany to further increase this intake of skilled professionals talent from India. During the IGC, both sides concluded a joint declaration of intent on labor and employment and also an MOU on skill development. पीएम ने साझा वक्तव्य में यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को चिंताजनक बताया। पीएम ने कहा कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वहीं जर्मन चांसलर ने भी इन संघर्षों को लेकर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर ने भारत के साथ जर्मनी की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया। 25 years ago, we created the strategic partnership between Germany and India. Our cooperation has become ever more trusting, solid and substantial. Growing together with innovation, mobility and sustainability, that is the motto of the 7th Indo-German Intergovernmental Consultations. इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावना पर चर्चा की। विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। जर्मन चांसलर 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी ऐसे समय में मजबूत सहारे के रूप में उभरी है जब दुनिया तनाव, संघर्ष और अनिश्चितता का सामना कर रही है। एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्च ने माना कि सम्मेलन सिर्फ आपसी हितों तक सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक संघर्षों को रोकने और समाधान तलाशने पर भी पड़ेगा। दोनों ही नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था की बात कही। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है, चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन। हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। The Korean Peninsula, the South and East China Sea all remain flashpoints of potential conflicts, even though we all hope that these conflicts can be contained.
So my first message to all of you today is this. Let us do whatever we can to bring about political solutions to these conflicts, solutions that are based on international law and the principles of the UN Charter. हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं जर्मनी के चांसलर ने बीते सालों में हुई व्यापारिक प्रगति पर संतोष जताया। एशिया पैसिफिक सम्मेलन के दौरान दोनों ही नेताओं ने आपसी सहयोग को अगले स्तर पर पहुंचाने की बात कही। जब भारत का डायनेमिज्म और जर्मनी का प्रिसिशन मिलता है, जब जर्मनी की इंजीनियरिंग और भारत का इनोवेशन मिलता है, जब जर्मनी की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलता है, तब इंडो पैसिफिक के साथ साथ पूरी दुनिया का बेहतर भविष्य तय होता है। Yes, we must avoid one-sided dependencies, particularly in areas of strategic important critical raw materials and certain technologies, for instance. But for us, de-risking doesn't mean less trade or less openness. For us, de-risking means diversification. And this diversification is happening. Look at how German-Indian business relations have developed in recent years. Relations that benefit both sides. European Union में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार 30 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत जहां तकनीक और निवेश आकर्षित करना चाहता है, तो वहीं जर्मनी भारत के टैलेंट और एस्पिरेशनल ड्राइव फोर्स को। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।